मणिपुर में हिंसा का दौर लगातार जारी है। कई जगहों पर फायरिंग और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सेना भी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। इस बीच इंटरनेट सेवाओं को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर सीमित इंटरनेट सेवा बहाल की जाए, तो दूसरी ओर राजनीति भी गर्मा रही है। इस सिलसिले के बीच मेईती समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मणिपुर विधानसभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह ने हिंसा फैलाने वालों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि राज्य में तुरंत शांति बहाल की जाए, हिंसा न फैलाई जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहाँ लोग मणिपुर हिंसा में जल रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ है सर? एक हरूफ नहीं बोले उसके बारे में, और तमाम बातें बोल रहे हैं। वहाँ लोग मर रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, मारकाट चल रही है, और एक बार वहाँ नहीं गए, अमेरिका जा रहे हैं। क्या लोग अमेरिका में जाके तुम्हारा घर जल रहा है? जीती हुई नॉर्थ ईस्ट में वही स्टेट थी जो तुम जीते थे, और वो खुर्द बुर्द हो गई सारी। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया। मणिपूरचा उल्लेख केला, माननीय पंतप्रधान तिकडे जायला पाहिजे, मुद्दामून केला, आज पुन्हा करतोय, कारण मणिपूर पेटलेला आहे आणि आपले पंतप्रधान अमेरिकेत चाललेले आहेत। हे बोलल्यानंतर त्यांचे जे नव गुलाम झालेले आहेत, लाचार मिंदे, त्यांनी सांगितलं की सूर्यावरती थुकू नका। कोण सूर्य? बता दें, अब तक इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। वहीं भारतीय सेना हर मोर्चे पर उपद्रवियों से लोहा लेने को खड़ी है और राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है।